ये है द पोस्ट स्टेट। मैं के हरि कुमार, 7 बुक्स और 3 फिल्मों का लेखक, और मेरी स्पेशलिटी हॉरर एंड मिस्ट्री। और पोस्ट स्टेट एक वीकली पॉडकास्ट है जिसमें मैं यानी के हरि कुमार आपसे अजीब गरीब, डरावनी और अनसुलझे रहस्यों के बारे में बात करूंगा। इस पॉडकास्ट में कभी आप भूत, प्रेत, पिशाच के बारे में सुनेंगे, तो कभी भारत के लोक कथाओं और विश्वासों के बारे में, कभी मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात करूंगा, और कभी सपनों की दुनिया के रहस्यों के बारे में। अगर आप एक ट्रू हॉरर और मिस्ट्री फैन हैं और इन चीजों के बारे में और जानना चाहते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस पॉडकास्ट को। ये है द फोर्थ स्टेट। एक बार मुझे एक सपना आया था जिसमें एक बहुत ही भयानक सा एक जानवर मेरा पीछा कर रहा था और मैं उससे भाग रहा था, और भागते भागते मैं खाई तक पहुंचा। कहीं ना कहीं मुझे एक सांस हो रहा था कि शायद ये एक सपना ही है और किसी भी वक्त में जाग सकता हूँ, लेकिन उस मोमेंट में, उस सपने के अंदर मुझे वो इतना ज़्यादा असली लग रहा था कि मुझे शक था कि अगर ये सपना नहीं हकीकत है, रियलिटी है, तो ये दी एंड हो सकता है। एंड देन जैसे ही ये जानवर मेरी तरफ आया, यहाँ मेरी आंखें बंद हुई और वहाँ मेरे कमरे के अंदर आंखें खुली। मैं अपने रियलिटी में आ गया था, मैं अपने जागृत स्टेट में आ गया था, मैं जाग चुका था। आई वॉज सो रिलीव्ड कि वो एक सपना था। लेकिन सवाल ये है कि अगर सपनों की दुनिया हमारे मन ने बनाया और वो इतना रियलिस्टिक लगता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि जो दुनिया, जिस दुनिया में हम रहते हैं, वो भी कहीं किसी के सपने ने या किसी के मन ने बनाया? इसी बारे में मैं आज बात करूंगा, और उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये फोर्थ स्टेट होता क्या है। अब आप ये सोच रहे हैं कि फोर्थ स्टेट तो इस पॉडकास्ट का नाम है, ऑब्वियसली पॉडकास्ट का ही नाम है, लेकिन फोर्थ स्टेट इज अ वेरी डीप रूटेड इंडियन फिलॉसफी, एंड व्हेन यू ब्लेंड दैट विद अदर वेस्टर्न फिलॉसफीज एंड मॉडर्न थ्योरीज अबाउट लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, देन ब्रिंग्स आउट अ होल न्यू मीनिंग टू दिस लाइफ एंड द पर्पस ऑफ दिस लाइफ, रादर द पर्पसलेसनेस ऑफ दिस लाइफ। फोर्थ स्टेट क्या होता है और उसका हॉरर से क्या संबंध? आप लोग यही सोच रहे होंगे कि हॉरर लिखने वाला बंदा जो भूत प्रेत पिशाच, हॉरर मतलब भूत प्रेत पिशाच ही होता है ना, बट मोस्ट ऑफ द पीपल यही सोचते हैं कि हॉरर का मतलब भूत प्रेत पिशाच। नहीं, सिर्फ भूत प्रेत पिशाच ही नहीं होते हैं, हॉरर में हम और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, और उनमें से एक चीज़ है द फोर्थ स्टेट। हालांकि ये बहुत ही फिलोसॉफिकल टॉपिक है, लेकिन इसको हॉरर में भी बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया जा सकता है। और फोर्थ स्टेट के बारे में बात करते करते पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे जीवन में जो हम जिस रियलिटी को परसीव करते हैं, जो हम अपने आसपास जो दुनिया देखते हैं बचपन से लेकर एंड तक, वो हमारे लिए वो रियलिटी है। और एक इंसान के जन्म से लेकर मरण तक वो 3 स्टेट में जूझता रहता है। एक जब वो जागा हुआ होता है, जिसको हम जागृत कहते हैं, और उसी टाइम वो सब कुछ करता है, जो भी वो पढ़ता है, काम करता है, प्यार करता है, झगड़ा करता है, मूवी देखता है या लिखता है, मेरे जैसा मतलब तो लिखता है, वो सारे काम जागृत अवस्था में करता है, यानी कि स्टेट ऑफ वेकिंग में। इसके बाद होता है जो हमारे नींद में जो स्टेट्स होते हैं, जो 2 स्टेट्स होते हैं, एक जब हम सपना देखते हैं जिसको स्वप्न का स्टेट बोलते हैं, उसके बाद गहरी नींद का एक स्टेट होता है जिसमें कोई सपना ही नहीं होता है, इसको हम सुषुप्ति कहते हैं। ये 3 स्टेट्स हैं, और पूरी जिंदगी एक इंसान की पूरी जिंदगी इन्हीं 3 स्टेट्स में गुजरती है। जब हम वेकिंग स्टेट यानी जागृत होते हैं, तब हम अपनी दुनिया को एज अ रियलिटी परसीव करते हैं। जो भी आपके आसपास है, आपका फोन, आपका बेड, लैपटॉप, दोस्त, भाई बहन, सब, सड़क पे चल रही बस, मेट्रो रेल, हवा, ये सब हमारे रियलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। आपकी बॉडी और माइंड दोनों ही स्टेट में एक्टिव होती हैं, और इसी वजह से हम इतना ज़्यादा इस वर्ल्ड में इन्वॉल्व होते हैं कि हम इसी को अपनी रियलिटी समझ के बैठ जाते हैं। अब
आदि शंकराचार्य ने तो यही कहा था कि दुनिया दरअसल माया है, और मैट्रिक्स फिल्म में नियो को भी यही बताया गया था। तो अगर ये दुनिया वाकई में माया है और हम वो माया में जी रहे हैं, तो मतलब ये रियलिटी है ही नहीं। फिर रियलिटी है क्या? क्या हमारी सपनों की दुनिया असली रियलिटी है? क्या ऐसा हो सकता है? होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, और कोई चाहे कितना भी ठप्पा मार के दे दे, लेकिन रियलिटी का असली रूप कोई नहीं बता सकता है। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि जब हम सपना देखते हैं नींद में, तब हम किसी और रियलिटी में ही जा रहे हैं। रैशनली देखा जाए तो ये जो रियलिटी है, इसको हमारे मन ने बनाया है, और इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। कभी चॉकलेट की नदी बहती है, तो कभी सर्पों की वर्षा, और बाई चांस आपने कभी सपने में सर्प या सर्पेंट यानी स्नेक को देखा है, इसके पीछे बहुत ही गहरा मीनिंग छुपा सकता है। इसके बारे में हम बात करेंगे एक और एपिसोड में कि सपनों में अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है या तात्पर्य क्या होता है, इज इट अ वार्निंग या इज इट अ गुड ओमेन। हम इन सपनों के बारे में बात करेंगे लेकिन किसी और एपिसोड में। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ स्टेट। और जैसे मैंने अभी कहा, सपने में हमारा मन सक्रिय है लेकिन शरीर नहीं है, और इसलिए इंद्रियां बाहरी दुनिया पर ध्यान नहीं देती है। जागृत अवस्था के दौरान की गई दैनिक गतिविधि यानी कि हमारे डेली रूटीन्स और दबी हुई इच्छाओं, और कुछ लोगों के हिसाब से तो पिछले जन्मों की यादों से बने सपने को हम देखते हैं। एक तरह का रिफ्लेक्शन है, जैसे हम एक मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं या कैमरे के सामने हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं और हम अपने आप को स्क्रीन पे देखते हैं, बट एक्चुअली हम बाहर है। स्क्रीन के अंदर भी हम खुद को देख सकते हैं, बट वो हमारी सिर्फ एक छवि है। ठीक बिल्कुल उसी तरह हमारे सपने होते हैं, और साधु संत तो कहते हैं कि मनुष्य के भीतर कई जन्मों के संस्कारों का संग्रह है, और इसी में से हमें शायद इस जन्म में सपना बन के कुछ देखने को मिले। ये मान्यता है, कुछ लोग मानते हैं इस बात को, और जैसे मैंने कहा, किसी का कोई अधिकार से ये कह नहीं सकता कि जो वो मानते हैं वो सही है। और यहाँ कुछ भी हो सकता है सपनों की दुनिया में, लिटरली कुछ भी। लेकिन आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आप सपना देख रहे हो, सब रियलिटी ही लगेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि ये किसी और की रियलिटी हो जो हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन अगले स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में हम कुछ महसूस नहीं कर सकते? यानी कि ये है सुषुप्ति, जब सपना खत्म हो जाता है और हम गहरी नींद में चले जाते हैं। बॉडी, इंद्रिया और मन तीनों ही रेस्ट करती है, और फिजिकली देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि हमारी जो ब्रेन है वो रेस्ट करती है, और इस स्टेज में आपके दिल की धड़कन और सांस सबसे निचले स्तर पर धीमी हो जाती है। आपके मसल्स पूरी तरह रिलैक्स्ड होते हैं, बॉडी में रिपेयर्स चलते हैं, और इसीलिए इस अवस्था से जागना बहुत मुश्किल होता है। और वैज्ञानिक तो ये मानते हैं कि इस अवस्था में किसी को जगाना भी नहीं चाहिए। और एक रैशनल इंसान के व्यू पॉइंट से देखें तो लाइफ सिंपल है, आप सोते जागते एक ही रियलिटी में रहते हो। ड्रीम सिर्फ काल्पनिक होती है, जो आपका मन बना बना के दिखाता है पिक्चर की तरह। जब आप सपने देख रहे हो तब भी आपका शरीर रियलिटी में ही होता है, तो फिर माया क्या है? मन, हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से माया को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, और मैं उनके लिखे गए शब्दों को, जो कि इंग्लिश में है, मैं अभी पढ़ता हूँ। द डॉक्ट्रिन ऑफ माया इज कंसिडर्ड बाई मैनी थिंकर्स बोथ इन द ईस्ट एंड द वेस्ट। आदिशंकरा explains the Maya concept with the examples of the rope and the snake, the juggler and jugglery, the desert and the mirage, and finally, the dreamer and the dream. हालांकि राधाकृष्ण जी ने आदि शंकराचार्य के फिलॉसफी के बारे में यहां बताया है, जो कि बहुत पुराना है, लेकिन ये मुझे याद दिलाती है एक मॉडर्न थ्योरी के बारे में, जिसको हम सिमुलेशन हाइपोथेसिस कहते हैं,
और इसमें ये माना जाता है कि जो हमारी जो जिंदगी है, जो हमारी जो एग्जिस्टेंस है, वो एक्चुअली एक सिमुलेटेड रियलिटी है, जैसे कि कंप्यूटर सिमुलेशन होता है। जैसे हम एक वीडियो गेम में देखते हैं, कहीं पे कोई गेम चल रहा है, तो जो भी उसके अंदर हो रहा है उस गेम में जो कैरेक्टर है उसके लिए वो रियल है, लेकिन हम खेल रहे हैं जो कि हम उस सिमुलेटेड रियलिटी से बाहर हम लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं। आज के डेट में जो भी हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से हम देख पा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लिंक है। शायद जो बातें शंकराचार्य ने इतने सालों पहले कहे थे माया और रियलिटी के बारे में, अगर हम सिमुलेशन थ्योरी के साथ साइड बाय साइड कंपेयर करें तो थोड़ा थोड़ा सेंस बनता है। अगेन, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, क्योंकि हम सब अपनी रियलिटी में इतना खो चुके हैं कि इसके पार देख नहीं पा रहे हैं। जैसे सपने में हमें लगता है कि वो असली है, उसी तरह हमारी रियलिटी भी हमें असली लगती है, लेकिन ये हमारी परसीव रियलिटी है। जब हम इस परसीव रियलिटी से आगे जाएंगे, आगे जागेंगे, शायद तभी पता चलेगा कि हम एक्चुअली एक सपने में ही थे या एक सिमुलेशन में थे, और माया इसी को कहते हैं। लेकिन जब इंसान इस माया के बंधन से मुक्त होगा, तब उसको चतुर्य यानी फोर्थ स्टेट का एहसास होगा, एक ऐसा स्टेट जो बाकी सभी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस से अलग है। हमने तीन स्टेट्स की बात करी थी, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति। यह है तुरिया। तुरिया जो है संस्कृत शब्द चतुर्य से आती है, यानी चार से बना है, तुरिया या फोर्थ स्टेट। बाकी तीनों स्टेट से परे हैं, और यह वही इंसान एहसास कर सकता है जो इंसानी मोहमाया से ही परे हो। जरा सोचो, आपके जन्म से लेकर आज तक आप जिसको रियलिटी समझ रहे थे, अगर एक दिन पता चले वो किसी का सपना था या एक सिमुलेशन था, कितना डरावना एहसास होगा। ये जिस रियलिटी को, जिस लाइफ को हम सब ग्रांटेड लेते हैं, अगर असली है ही नहीं, और इंसान अपने असली रियलिटी में या असली शरीर में जाग उठे, तो क्या उसे याद रहेगा कि उसने इस रियलिटी में क्या किया? आज तक ऐसा नहीं सोचा तो आज सोचिए, और मुझे बताइए आपको क्या लगता है, कि आप वाकई जाग रहे हैं या किसी के सपने में इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। ये है द फोर्थ स्टेट विद के हरिकुमार।